वो कोई और नहीं बल्कि उसका दुश्मन है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। हाय माय आर डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की एडवांस्ड इंग्लिश क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस को सीखने वाले हैं, लेकिन सेंटेंस को सीखने से पहले सबसे पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई और नहीं बल्कि, कोई और नहीं बल्कि से बनने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो चलिए सीखते हैं। कोई और नहीं बल्कि के लिए इंग्लिश में हम नन अदर देन का यूज करते हैं, नन अदर देन का यूज करते हैं। सेंटेंसेस कैसे होंगे? वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है, अगला कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी ही सी आया होगा। फिर टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, ये हमारा पास्ट में होगा और ये हमारा प्रेजेंट में होगा। ही होगा ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, आई होगा तो एम, यू वी दे प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आर। सिंगुलर में ही सी इट आई होगा तो वॉज, यू वी दे प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, यू वी दे प्लुरल सब्जेक्ट तो आर। ही सी इट आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, यू वी दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर, प्लस नन अदर देन, फिर अदर वर्ड्स जो यहाँ पर उसका भाई उसका दोस्त जो भी दिया होगा उसे लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, तो पहले भाई है मीन्स ही इज, सब्जेक्ट ही इज प्रेजेंट में है तो इज, प्लस नन अदर देन, तुम्हारा भाई है, नन अदर देन योर ब्रदर। वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है, तो सबसे पहले ही इज नन अदर देन, अदर वर्ड में उसका दोस्त है, हिज हिज फ्रेंड। नेक्स्ट इज अगला कोई और नहीं, अगला कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है, तो क्या हो जाएगा अगला का? दी नेक्स्ट, दी नेक्स्ट इज नन अदर देन अमिताभ बच्चन। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी, तो हो जाएगा सी थी तो वॉज, नन अदर सी वॉज नन अदर देन, मेरी पत्नी थी देन माई वाइफ। तो माई आल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कोई और नहीं बल्कि आएगा, तो कोई और नहीं बल्कि के लिए हम नन अदर देन का यूज करेंगे। देखिए देन है, ये देन दो होते हैं, एक टी एच ई एन होता है और एक टी एच ए एन होता है, ये देन है और ये देन है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर या वॉज वर्ब में से किसी एक का यूज करते हैं, प्लस नन अदर देन, प्लस अदर वर्ड्स जो यहां पर आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।